10 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस लिया, आज देश रो रहा है। अपने 56-57 साल के उम्र में देश में बड़े बड़े नेता मरे, लेकिन बाहर धरती पुत्र मुलायम सिंह, कोई पार्टी नहीं रह गई, कोई दल नहीं रह गया, हर दल का नेता श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में पहुंचे थे। मेरे मित्रों, हमारे नेता मुलायम सिंह जी एकजुट का अंत हो गया। इस धरती पर नेता की उपाधि दो आदमी को मिली, पहले नेता सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी गई और दूसरे नेता को अगर नेता की उपाधि दी गई, उस नेता का नाम रहा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी नेता कह करके बुलाते थे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को। उनकी कहानियां जब सुनने को मिलती है, हम लोग YouTube पर देख रहे हैं, भाजपा के सांसद तक ने कह डाला इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान की धरती पर कोई नहीं हो सकता जो हमारे आपके बीच से चले गए नेता जी। तो एक छोटी सी गीत नेता जी के ऊपर, इसके बाद एक बंसी की गीत पांडे जी के नाम पे सुना दूंगा। आइए गुलाबी चश्मे की रंगत, शांति बेटा बोलो बोलो, यहां आवाज आ रही है, आज के बाद गुलाबी चश्मे की रंगत बनेगी धूल है बुलबुल, गुलाबी चश्मे की रंगत बनेगी धूल है बुलबुल, घूमेगा चक्र साहब का खता मत भूले बुलबुल। लेकिन फिर वही शायर लिखता है कि कली जब ही खिली तो ही भ्रमर गुंजार करते हैं, कली जब ही खिली तो ही भ्रमर गुंजार करते हैं, हुस्न की कलियों में आशिक सदा ही प्यार करते हैं, फंसी माया की किस्ती कब उसे तू पार जाएगी, छोड़ नहीं हर से नाता गोरी जब ससुराल जाएगी, बनम तेरा वहां पे रूप ना सिंगार देखेगा, पिया तो ये कही है प्रिया जिसको चाहे सुहागम वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, बना दिया सुहागन धरती पुत्र को पिया ने, जाना तो तय है लेकिन कौन कैसे गया, अब कौन गया तो, अरे महाराज आने जाने की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र भाई 3 लाख 4 लाख 5 लाख भीड़ की बात कर रहे हैं, जिस मंदिर के सामने जाकर के धरती पुत्र प्रणाम किया करते थे अपने पढ़ाई के जमाने से आज तक, वहां खड़ा एक वृक्ष पीपल का जो भरत बाबा का मंदिर था, जो वही उठा करके उनकी पार्थिव शरीर को रामलीला मैदान में लाया गया, तो वही न हवा न पानी न किसी प्रकार का भूकंप हर हरा करके वह बूढ़ा पीपल भी कहा कि कहां जा रहे हो धरती पुत्र, हमें भी लेते चलो साथ में। ऐसा मैंने नहीं देखा, क्या कहना है क्या रोना है, मौत हो लेकिन हसीन हो, अंतिम विदाई भी हो तो ऐसी हो। भाई ने भी बताया सारा भेदभाव की कड़ी तोड़ करके और हिंदुस्तान लामबंद दिखा सैफई में, याद आते रहेंगे। और मुलायम सिंह यादव कोई शख्स कोई आदमी नहीं, मुलायम सिंह यादव सोच है और सोच कभी मरती नहीं, हमारे जहन में हमारे ख्यालों में हमारे पाठ्यक्रमों में यह सोच हमेशा जीवंत होती है। मैं शायद से अंतर हो गया, मैं ले चलता हूं आपको